नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे मेरा स्नैपचैट ऐप है दोस्तों, यहाँ पे मैं सुबह से ओपन कर रहा हूँ लेकिन ओपन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्नैपचैट है स्टॉप करके, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में लिखा होगा समटाइम या पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, कुछ भी लिखा आ रहा है या आपका जो स्नैपचैट है ओपन नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आप कैसे सॉल्व करोगे यही इस वीडियो में आपको लाइव टू लाइव दिखाऊंगा, यहाँ पे आपके सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो तीन सेटिंग दिखाऊंगा, ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों मैं दवाई से कह सकती हूँ आपका जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक लाइक का बटन मिल जाएगा, इस खुशी में आपको एक लाइक जरूर कर देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना, साथ में जो घंटी है घंटी में आपको ऑल में दबा के रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक कमेंट आने के बाद यहाँ पे आपको एक कमेंट करके जरूर भेज देना है, नाइस या गुड वीडियो लिखकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपचैट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्च कर लेता हूँ स्नैपचैट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया है आपके सामने, देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में अपडेट आएगा तो अपडेट दिखाएगा। तो सबसे पहला वाला जो काम है दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट चेक कर लेना है। और बार बार ऐसा होता है दोस्तों आपके मोबाइल में अपडेट रहता है और आप लोग अपडेट नहीं करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है दिखा देता है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो प्रोसेस आपको प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको देखना है कि अपडेट आया है नहीं है, अपडेट आया है तो जल्दी से अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पे चले जाना है और जाने के बाद दोस्तों आपका जो स्नैपचैट ऐप है इस पर आपको टच करके रखना है। रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तीन तीन ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर, ऐप इन्फो और रिमूव करके। तो यहाँ पे आपको दो नंबर में एक ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हो ऐप इन्फो करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी तरह इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा आपके मोबाइल में भी। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर डाटा करके, यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे सबके मोबाइल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर में जाना है स्टोरीज करके। तो स्टोरीज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन मिल गया है क्लियर डाटा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेज स्पेज करके और यहाँ पे क्लियर अचीव करके दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको मोबाइल में देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज स्पेज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डिलीट करके ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे डिलीट ऐप डाटा आ जाएगा, नीचे आपको डिलीट करके ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बैक पे चले जाना है, फिर से आपको यहाँ पे स्टोरेज करके ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना है। और जाने के बाद दोस्तों फिर से क्लियर डाटा पे जाना है और यहाँ पे क्लियर अचीव दो नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ पे मेरा जो स्नैपचैट ऐप है यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हो मेरा जो स्नैपचैट है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तुरंत ही ओपन हो गया है। सबसे पहले क्या आ रहा था कि यहाँ पे लिखा आ रहा था कि स्नैपचैट हैज स्टॉप करके, तो मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखा दिया। ये प्रोसेस आपके मोबाइल में करोगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो जो प्रोसेस आपको दिखाया यही प्रोसेस से आप ये जो प्रॉब्लम है आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।